है ना, सबसे पहले जो फिल्म आपने बनाई ताहिरा उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उसको लगता है कि बहुत कोई मजा हुआ डायरेक्टर है जिसको यू नो इतनी डिटेलिंग में पता है कि अगर स्कूल की बच्चियां हैं और वो ब्लू ड्रेस होता है चंडीगढ़ में इस तरह, अब दिल्ली भी चले जाइए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू, थैंक यू। इतना सेंसिटिव मुद्दा ये आया कैसे जहन में कि यार इस मुद्दे को उठा के फिल्म बनानी? सो ये मेरे खुद के बचपन की एक घटना है, सो इट हैज़ हैपेंड विद मी। मेरा भी एक नानका होता था, मैं वहाँ जाती थी और मेरा भी ऐसी मेरी ऐसी दोस्त थी। वो ज़माना था जहाँ पर यू डोंट हैव सोशल मीडिया, यू डोंट हैव गूगल और फेसबुक और ट्विटर, सो द ओनली वे ऑफ नोइंग अबाउट द वर्ल्ड वॉज थ्रू द आइज ऑफ योर फ्रेंड। एंड मैंने बहुत जिंदगी उसकी आंखों से भी देखी है और उसके घर में बैठ के उसके साथ मैंने टॉफी भी लपेटी है, ताकि इसलिए नहीं ताकि उसको 100 रुपये मिले, पर इसलिए ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म कर सके और बाहर जाके हम कोई ना कोई गेम खेल सकें। तो जो मैंने इतना ब्यूटीफुल मोमेंट्स उसके साथ जिए हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट फोर्थ। एंड उस वक्त ऐसा इंसिडेंट हुआ था उसके साथ चाइल्ड ब्राइड की जब हमने बात की है, तो उस वक्त सिर्फ मुझे इतना अफसोस हुआ था दैट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। पर अब जब बड़ी हुई हूँ तो रियलाइज हुआ है दैट आई हैव लॉस्ट नॉट ओनली अ फ्रेंड बट इट्स अ सोशल कॉज एंड एन इशू ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड वी नीड टू एड्रेस इट। इफ अ चाइल्ड इज लेट बी अ चाइल्ड तो वो ऐसी खूबसूरत मोमेंट्स जी सकता है। सो एंड दिस इशू इज सो प्रेवलेंट नाउ कि आज भी हम देखते हैं दैट देयर चाइल्ड ब्राइड्स एंड चाइल्ड मैरिजेस हैपनिंग। सो आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर मूवी केम अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो सब कुछ ही बोल दिया मैंने एक ही बारे में, आपके जितने क्वेश्चन अभी आने के आगे मैंने एक ही बारे में सब कुछ खत्म कर दिया।